हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अभी इसके प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ये आपने डिस्कस किया। ओके, और हमने ये भी डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन से मिलती है। मीन्स जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। तो जब भी आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो तो आप ये देखिए कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है और उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। दूसरी बात, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम साइन के हों, मीन्स एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो, तब स्पीड इंक्रीज करती है। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट साइन में हो, मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो वेलोसिटी निगेटिव हो, या एक्सेलरेशन निगेटिव हो वेलोसिटी पॉजिटिव हो, तब स्पीड डिक्रीज करती है। तो मीन्स किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज तभी करेगी जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम साइन के हों, और जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट साइन के होंगे तो उस केस में स्पीड डिक्रीज करेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलांग होता है, इनिशियल वेलोसिटी के अलांग होता है, उस केस में स्पीड इंक्रीज करती है, हम कहते हैं उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होता है उस केस में स्पीड डिक्रीज करती है, हम उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, या नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। समझ में आया? आ गया, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर मैथमेटिक्स को अच्छे से समझना है, सॉरी फिजिक्स को अच्छे से समझना है, तो मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, कैलकुलस है, एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ग्राफ है, कोऑर्डिनेट है, इनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप फिजिक्स में आपको ज़्यादा स्ट्रांग पाएंगे, अपने को ज़्यादा कंफर्टेबल पाएंगे। नहीं तो पढ़ तो लेंगे फिजिक्स, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी जो अंडरस्टैंडिंग आपके मैथमेटिक्स की के नॉलेज पर होगी। इसलिए फिजिक्स को बेहतर समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स का एक बेसिक नॉलेज कंपलसरी है। लेकिन ये मत सोचना कि फिजिक्स मैथमेटिक्स है, फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स, ठीक नहीं है? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मीन्स मैथमेटिक्स के हेल्प से हम फिजिक्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी हो पाती है। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या जरूरी होता है, जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, थोड़ी अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ग्राफ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लॉग है, इन सब की कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए जिससे आप फिजिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम लोग डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट को सीखें। तो आज हम डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने चल रहे हैं, और जब भी आपको वेलोसिटी निकालना होगा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हर एक स्टेप पर डिफरेंशिएशन का यूज होगा, आप अगर डिफरेंशिएशन को समझते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए हम डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या, ये क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्या इसके रूल्स होते हैं, ये हम जो है डिस्कस करने चल रहे हैं। आइए देखें डिफरेंशिएशन क्या है। टॉपिक वन, डिफरेंशिएशन, ये कैलकुलस का एक पार्ट है, ये कैलकुलस का एक पार्ट है। कैलकुलस एक मैथमेटिक्स होती है जिसमें दो पार्ट आ जाते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जिसके फादर न्यूटन को माना जाता है कैलकुलस का फादर। तो कैलकुलस में एक पार्ट है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन समझने के लिए
चलो हम कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। When a physical quantity y depends upon x, we say that y is the function of f and it is written as y equal to fx. Means हमारे पास दो physical quantity हैं, एक y है एक x है। हमारे पास दो physical quantity हैं, एक y है एक x है। y x पर depend कर रही है, y x पर depend कर रही है। तो हम कहेंगे कि y जो है x का function है। y क्या है? x का फंक्शन है। इसको कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू एफ एक्स। कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू एफ एक्स। मतलब हमारे पास एक क्वांटिटी ये y है, एक क्वांटिटी ये हमारे पास x है। अगर y x पर डिपेंड कर रही है तो हम कहेंगे कि y x का फंक्शन है। y क्या है? x का फंक्शन है। अब इसे राइट करेंगे हम y इक्वल टू एफ एक्स। क्या राइट करेंगे? y इक्वल टू एफ एक्स राइट करेंगे। ओके, अब एग्जाम्पल ले लें। जैसे किसी सर्कल का एरिया है, किसी सर्कल का एरिया किस पर डिपेंड करता है? उसके रेडियस पर। किसी सर्कल का एरिया किस पर डिपेंड करता है? उसके रेडियस पर। तो हम कहेंगे किसी सर्कल का एरिया जो है उसके रेडियस का फंक्शन है। किसी सर्कल का एरिया उसके रेडियस का फंक्शन है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा वैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है टाइम पर। तो हम ये कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। ऐसे और एग्जांपल ले ले। वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करती है तो हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। हम कहेंगे एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। हम कहेंगे एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है। तो जहां कहीं भी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, जैसे आपका एम्स में सिलेक्शन आपके पढ़ाई की घंटों पर डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे आपका सिलेक्शन आपके नंबर ऑफ स्टडी आवर्स का फंक्शन है। आपका आईआईटी मेंस में आईआईटी एडवांस में सिलेक्शन आपके नंबर ऑफ स्टडी आवर्स पर डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे आपका सिलेक्शन आपके स्टडी आवर्स का फंक्शन है। आपका KBPY में NDA में आर्मी ऑफिसर में सिलेक्शन आपकी हार्ड वर्किंग पर डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे आपका सिलेक्शन आपकी हार्ड वर्किंग का फंक्शन है। तो जहाँ कहीं भी डेली लाइफ में कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही हो तो हम कहते हैं वो पहली चीज़ दूसरी चीज़ का क्या है? फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखिए, फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ ए सर्कल डिपेंड्स अपॉन रेडियस। किसी सर्कल का एरिया रेडियस पर डिपेंड करता है। सो वी से दैट एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। हम कहते हैं एरिया जो है वो रेडियस का फंक्शन है। इसको राइट करते हैं ए इक्वल टू एफ आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ एफ का मतलब क्या हुआ? एफ का मतलब ये हुआ कि जो चीज यहाँ आप पुट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे और उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एफ का मतलब ये हुआ कि यहाँ आर की जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स एक तो उसका स्क्वायर करेंगे, दूसरा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। इसको हम राइट करेंगे एक्स इक्वल टू एफ टी। एक्स इक्वल टू एफ टी। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या है? फंक्शन। टी क्या है? टाइम। अगला वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का। तो वी इक्वल टू एफ टी। क्या? वी इक्वल टू एफ टी। अब आप देखें इन सभी फंक्शन में दो क्वांटिटी है, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, यहाँ पर आर है यहाँ पर ए है, यहाँ पर टाइम है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर टाइम है यहाँ पर वेलोसिटी है। तो इन सभी फंक्शन में दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, दो वेरिएबल हैं। एक यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। एक यहाँ पर आर वेरिएबल है, यहाँ एक ए वेरिएबल है। एक यहाँ टी वेरिएबल है, एक यहाँ एक्स वेरिएबल है। एक यहाँ टी है, एक यहाँ वी है। तो सब में दो वेरिएबल हैं। यहाँ ये एक्स जो है इसकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये वाई उस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर हम रेडियस की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, एरिया रेडियस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम टाइम की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम टाइम की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करेगी। तो मींस हर एक फंक्शन में दो क्वांटिटी है, एक एक्स है एक वाई है। यहाँ एक्स इंडिपेंडेंट है,
जिसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये इनपुट वेरिएबल है, वाई उस पर डिपेंड कर रहा है, वाई आउटपुट वेरिएबल है। जैसे आप कंप्यूटर में कोई चीज इनपुट में देते हैं तो आउटपुट मिलता है, वैसे इनपुट वेरिएबल यहाँ एक्स है, आउटपुट वेरिएबल यहाँ वाई है। यहाँ पर इनपुट वेरिएबल रेडियस है, आउटपुट वेरिएबल क्या है एरिया है। यहाँ पर इनपुट वेरिएबल टाइम है, आउटपुट वेरिएबल क्या है डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर इनपुट वेरिएबल क्या है टाइम है, आउटपुट वेरिएबल क्या है वेलोसिटी है। तो सब में एक इनपुट वेरिएबल है, एक आउटपुट वेरिएबल है। अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर इनपुट वेरिएबल एक्स में चेंज किया जाए तो आउटपुट वेरिएबल वाई कितना चेंज होना हो जाएगा। हम जानना चाहते हैं इनपुट वेरिएबल रेडियस में चेंज करना चाहें तो एरिया कितना चेंज हो जाएगा। हम जानना चाहते हैं टाइम में चेंज अगर कर दें तो डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो जाएगा। हम जानना चाहते हैं अगर टाइम में चेंज कर दें तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाएगी। तो जहां कहीं भी हम ये जानना चाहते हैं कि इनपुट वेरिएबल में कितना चेंज करने पर आउटपुट में कितना चेंज आएगा, वहां हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। जहां हम ये जानना चाहते हैं कि इनपुट वेरिएबल में कितना चेंज करने पर आउटपुट वेरिएबल कितना चेंज हो जाएगा, मीन्स हम यहाँ एक्स में कितना चेंज कर दे तो वाई कितना चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हम रेडियस कितना चेंज कर दे तो एरिया कितना चेंज हो जाएगा, यहाँ टाइम कितना चेंज कर दे डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो जाएगा, यहाँ टाइम कितना चेंज कर दे तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाएगी। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जो इनपुट है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम कितना चेंज कर दें तो वाई कितना चेंज हो जाएगा, अगर हम ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन वो मैथमेटिक्स है जैसे आप एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, ठीक वैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इनको हम अरिथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। प्लस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक ना, वैसे डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और डिफरेंशिएशन तो सुन लीजिए, जहाँ कहीं भी एक फिजिकल क्वांटिटी वाई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी एक्स पर डिपेंड कर रही हो और एक्स को हम एक्स प्लस डी एक्स चेंज कर दें, हम जानना चाहते हैं वाई में कितना चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए हम जिस मैथमेटिक्स का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, उसका नाम है डिफरेंशिएशन, उसका नाम है डिफरेंशिएशन। मीन्स अगर हम रेडियस में चेंज कर दें, हम जानना चाहते हैं एरिया कितना चेंज हो जाएगा सर्कल का, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, हम एरिया का डिफरेंशिएशन रेडियस के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगर हम टाइम चेंज कर दें, हम जानना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो जाएगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगर हम टाइम चेंज कर दें, हम जानना चाहते हैं वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाएगी, तो हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि आप पढ़ाई की घंटे चेंज कर दो, आपका सिलेक्शन कितना चेंज हो जाएगा, तो आप सिलेक्शन का नंबर ऑफ स्टडी आवर्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। आप जानना चाहते हो कि आपका फूड कितना चेंज हो जाए, तो आपकी हेल्थ कितनी चेंज हो जाएगी, आप अपने हेल्थ का डिफरेंशिएशन फूड के रेस्पेक्ट में कर दो। तो जहां कहीं भी अगर हम इनपुट वेरिएबल को चेंज करना चाहें और हम जानना चाहें कि आउटपुट में कितना चेंज हो जाएगा, वहां पर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन इज अ सिंपल मैथमेटिक्स विद व्हिच वी फाइंड आउट व्हाट इज चेंज ऑन द आउटपुट वेरिएबल व्हेन वी आर चेंजिंग इन इनपुट वेरिएबल। डिफरेंशिएशन सिंपली एक मैथमेटिक्स है जहां हम ये पता करते हैं कि जब हम इनपुट वेरिएबल को कितना चेंज कर देंगे तो आउटपुट वेरिएबल कितना चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं। नाउ इफ वी चेंज एक्स बाई एक्स प्लस डी एक्स, अगर हम एक्स को एक्स प्लस डी एक्स चेंज कर दें, What will be change in y? Y में क्या change आएगा? This is calculated by differentiation. इसको हम differentiation से calculate करते हैं। We differentiate y with respect to x. We differentiate y with respect to x. हमेशा differentiation output variable का input के respect में किया जाता है। हमेशा differentiation output का input के respect में किया जाता है। जैसे आप एरिया का रेडियस के रेस्पेक्ट में करेंगे, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो हमेशा आउटपुट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इनपुट के रेस्पेक्ट में किया जाता है और हमें आंसर मिल जाता है। अब डिफरेंशिएशन को राइट कैसे करते हैं? आपका वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, आपका वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। अब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसे हम राइट करते हैं dy by dx। क्या राइट करते हैं? dy by dx इक्वल टू d dx ऑफ fx।
डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको पढ़ते क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स एफ एक्स, और इसको हम रीड करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स है इससे हम बोलते हैं वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, इसे बोलते हैं वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब आइए हम देखते हैं डिफ्रेंसिएशन के रूल्स क्या है, किस रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। इफ वाई इक्वल टू सी हो, सी को एक कांस्टेंट है, कोई एक नंबर है, 2 है 3 है 5 है π है, ठीक ना, कोई एक नंबर है, तो आपको पता है कि कांस्टेंट में तो कोई चेंज होता नहीं, जो कांस्टेंट चीज है वो तो वही बनी रहेगी, तो उसमें तो टाइम के साथ कोई चेंज होगा नहीं। तो अगर आप डी वाई बाई डी एक्स, अगर आप डी वाई बाई डी एक्स सी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जीरो होता है। हम मान ले वाई इक्वल टू फाइव है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स फाइव का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जीरो आएगा, क्योंकि फाइव एक कांस्टेंट है। तो पहला रूल ये हो गया कि जब भी कोई कांस्टेंट अकेला हो उसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसी के रेस्पेक्ट में तो वो जीरो आएगा। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जीरो, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जीरो। ये रूल नंबर वन हो गया। रूल नंबर टू देखिए, इफ वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन है, वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन है, हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पावर पहली चली आएगी एन एक्स एन माइनस वन, क्या एन एक्स एन माइनस वन, क्या एन एक्स एन माइनस वन। हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि कैसे आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सपोज कर लीजिए आपके पास एक फंक्शन गिवेन है, सपोज कर लीजिए आपके पास एक फंक्शन गिवेन है, वो है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, सपोज कर लीजिए आपके पास एक फंक्शन गिवन है वो है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए आपके पास एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल आपको एक फंक्शन दे दिया गया वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, अब आपको इसका डी डी एक्स निकालना है, तो देखिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स आप एक्स क्यूब। अब पावर ये पहले चली आती है तो ये पावर पहले चली आएगी, इस पावर में से एक माइनस हो जाता है, एक माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो आपको दिया है वाई इक्वल टू रूट एक्स, अब आप क्या करेंगे, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू द पावर वन अपॉन टू, तो आप डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर वन अपॉन टू, अब ये पावर पहले चलाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टू, पहले आएगा एक्स टू दी पावर वन अपॉन टू माइनस वन हो जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू, वन अपॉन टू में से माइनस वन निकल जाएगा तो माइनस वन अपॉन टू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस है ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स टू दी पावर वन अपॉन टू, और एक्स टू दी पावर वन अपॉन टू को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू रूट एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस थर्ड एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कर लीजिए वाई इक्वल टू एक्स, अब आप क्या करेंगे डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ कितनी पावर है, वन पावर है, कितनी पावर है, वन, वन पहले चलाएगा एक्स टू दी पावर वन माइनस वन हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन एक्स टू दी पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो कितना होता है, वन, तो ये आपको आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन, क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये वन आ जाएगा। हम एक फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल ले लें, फोर्थ एग्जाम्पल है वाई इक्वल टू सपोज कर लो एक्स टू दी पावर माइनस वन है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा डी डी एक्स एक्स टू दी पावर माइनस वन, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पावर पहले आ जाएगी माइनस वन, एक्स टू दी पावर माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपान, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर।
ये आपका हो जाएगा माइनस वन एक्स टू की पावर माइनस टू, और ये न्यूमरेटर में डिनोमेटर में जाएगा प्लस टू हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपके ये रूल नंबर सेकंड रहा कि जब एक्स टू की पावर एन हो तो डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, एन एक्स एन माइनस वन क्या हो जाता है, एन एक्स एन माइनस वन क्या हो जाता है, एन एक्स एन माइनस वन, ये रूल नंबर आपका सेकंड रहा। क्या रहा, रूल नंबर सेकंड रहा। रूल नंबर थर्ड देख लीजिए, रूल नंबर थर्ड है आपका, देखिए रूल नंबर ये सेकंड रहा, रूल नंबर थर्ड है डिफ्रेंसिएशन का, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड है, रूल नंबर थर्ड है। चलो जैसे हम जो है रूल नंबर थर्ड के लिए, अब आप ये देखिए रूल नंबर थर्ड है, सपोज कर लो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका ये वेलोसिटी है, ये एक्सलेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सलेशन है। जब आप डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे dx अपॉन dt तो वेलोसिटी मिल जाएगी, जब वेलोसिटी का आप डिफ्रेंसिएशन कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो आपको एक्सलेशन मिल जाएगा, जब एक्सलेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे एक्सलेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देंगे, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो आपका रूल ये है कि जब भी आपको एक्सलेशन गिवन हो, वेलोसिटी निकालना हो तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, जब वेलोसिटी गिवन हो एक्सलेशन निकालना हो तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, जब आपको एक्सलेशन गिवन हो वेलोसिटी निकालना हो तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, जब वेलोसिटी गिवन हो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। ओके, आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल नंबर वन हम देखते हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, देखिए सपोज को डिस्प्लेसमेंट गिवन है टू टी स्क्वायर प्लस वन, क्या टू टी स्क्वायर प्लस वन, और हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, हमें एक्सलेशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए आपको गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो वेलोसिटी के लिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं। अब देखिए वेलोसिटी v होता है dx अपॉन dt, तो हो जाएगा d ओवर dt, और x की वैल्यू कितनी है देखिए 2t स्क्वायर प्लस 1 है, तो हो जाएगी वेलोसिटी v इक्वल टू, इसको आप अलग अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा d ओवर dt, इसको अलग डिफ्रेंसिएट कर दीजिए प्लस d ओवर dt, ये 1 कर दीजिए, मीन्स हमने इसको अलग डिफ्रेंसिएट कर दिया, इसको अलग डिफ्रेंसिएट कर दिया। v ये 2 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो मल्टीप्लाई में कर दो टी स्क्वायर और प्लस डी ओवर डी टी, यहाँ वन आ जाएगा। अब आप देखिए ये टू टी स्क्वायर में यहाँ पावर कितनी है, टू है, तो टू पहले चला आएगा और टी स्क्वायर में से टू पावर में से वन पावर माइनस हो जाएगा ये और प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, तो ये हो जाएगा आपका फोर, टू में से वन निकल जाएगा फोर टी, ये आपकी आ जाएगी वेलोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब आपको एक्सलेशन निकालना है, एक्सलेशन देखिए कैसे निकालेंगे, एक्सलेशन ए इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी, क्या होता है डी वी अपॉन डी टी, तो हो जाएगा डी ओवर डी टी, वी कितना है फोर टी, फोर एक कांस्टेंट नंबर है, बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा डी ओवर डी टी, क्या हो जाएगा टी, और डी ओवर डी टी क्या होता है वन, डी ओवर डी एक्स वन, डी टी ओवर डी टी वन, डी वाई ओवर डी वाई वन, डी एक्स ओवर डी एक्स वन, तो ये आपका एक्सलेशन आ जाएगा फोर इंटू ये वन होगा, तो ये वन आ जाएगा, तो एक्सलेशन आपका आ जाएगा फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सलेशन निकल आएगा, ये आपका एक्सलेशन निकल आएगा। तो मीन्स जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट गिवेन हो, वेलोसिटी निकालना हो तो डी एक्स अपॉन डी टी करते हैं, वेलोसिटी गिवेन हो एक्सलेशन निकालना हो तो डी वी अपॉन डी टी करते हैं, एक्सलेशन से वेलोसिटी पर आना हो तो इंटीग्रेशन ए डी टी करते हैं, वेलोसिटी से एक्स पर आना हो तो इंटीग्रेशन बी डी टी करते हैं। तो ये आपके डिफ्रेंसिएशन का थर्ड रूल रहा जिस पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये थर्ड रूल रहा जिस पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और फोर्थ रूल क्या है, आइए फोर्थ रूल हम आपको बता दें, फोर्थ रूल है आपका, फोर्थ रूल है आपका
चलो फोर्थ रूल हम इधर डिस्कस करते हैं। तो ये रहा थर्ड रूल कि जब आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो आप वेलोसिटी कैसे निकालें, वेलोसिटी गिवन हो तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालें, एक्सेलरेशन गिवन हो तो वेलोसिटी कैसे निकालें, वेलोसिटी गिवन हो तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन के हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रूल नंबर आपका फोर ये है। रूल नंबर फोर की अगर हम बात करें, देखिए रूल नंबर फोर की अगर हम बात करें तो रूल नंबर फोर ये कहता है कि y इक्वल टू, अगर ये आपका साइन x हो, इसका डिफ्रेंशिएशन करें dy by dx, ये आप dy by dx करेंगे तो हो जाएगा dy by dx, ये हो जाएगा साइन x, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है cos x, ये आपका हो जाएगा cos x, dy by dx साइन x का cos x हो जाएगा। अगर ये y इक्वल टू cos x है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx, ये आपको हो जाएगा ddx, ये आपको हो जाएगा cos x, और cos x का dy by dx, cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x हो जाएगा आपका। ये रूल नंबर आपका फोर हो गया। और अगर आप यही tan x का करेंगे dy by dx, अगर tan x का करेंगे dy by dx इक्वल टू डी डी एक्स, अगर टेन एक्स का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो आपने देखा कि जब आप डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, आप कॉस एक्स का करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, अगर आप साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। ये आपका रूल नंबर फोर हो गया। रूल नंबर फाइव की अगर हम बात करें तो रूल नंबर फाइव देख लो। रूल नंबर फाइव है आपका, रूल नंबर फाइव देखे, रूल नंबर फाइव में है आपका, अगर आपके पास दो फंक्शन हो, सपोज कर लो वाई इक्वल टू आपका है एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स, आपके पास दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई में ले लो, सेकंड फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस सेकंड फंक्शन को मल्टीप्लाई में ले लो और फर्स्ट फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर दो। ये रूल होता है। तो ये रूल आपका है, देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपका रूल नंबर फाइव हो जाएगा। ये आपका रूल नंबर फाइव हो जाएगा। जैसे हम कोई एक एग्जांपल अगर इस पर कंसीडर करते हैं, ये रूल नंबर फाइव हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे। मान लीजिए रूल नंबर सिक्स अगर हम बात करते हैं, रूल नंबर सिक्स आपका है, सपोज कर लीजिए y इक्वल टू कोई u अपॉन v फंक्शन दिया गया है, या आपको दिया गया है एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स दिया गया है, अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो dy वाई बाई डी एक्स करेंगे तो हो जाएगा एफ टू एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ वन एक्स माइनस, ये हो जाएगा एफ वन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ टू एक्स अपॉन एफ टू एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। मीन्स कैसे याद करेंगे, देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जब दो फंक्शन एक दूसरे के डिवीजन के रूप में हो। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो एफ टू एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ टू एक्स अपॉन एफ टू एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये रूल नंबर आपका फाइव हो गया। रूल नंबर सिक्स की, रूल नंबर सिक्स हो गया। रूल नंबर अगर हम सेवन की बात करें, रूल नंबर सेवन में सपोज कर लो आपको दे दिया गया है y इक्वल टू लॉग x बेस e, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, हो जाएगा लॉग x बेस e, ये हो जाता है वन अपान x, क्या हो जाता है वन अपान x, तो आपका dy वाई बाई डी एक्स
लॉग एक्स का वन अपान एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का वन अपान एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का वन अपान एक्स हो जाएगा। ये रूल नंबर सेवन हो गया, ये रूल नंबर सेवन हो गया। रूल नंबर हम अगर एट की बात करें तो देखिए एट में आपको सपोज कर लो एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू e टू द पावर x, y इक्वल टू e टू द पावर x, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे आप dy by dx इक्वल टू d by dx e टू द पावर x, तो इसका आंसर e टू द पावर x ही आ जाता है। अगर आपको दिया है y इक्वल टू e टू द पावर ax, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे dy by dx, तो a पहले चला आएगा, ये a e टू द पावर ax हो जाएगा, ए ई टू द पावर ई एक्स ए एक्स हो जाएगा। अगर आपको गिवन है वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाएगा माइनस वन ई टू द पावर माइनस ई एक्स हो जाएगा। वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अगर आपको गिवन है वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाएगा माइनस ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स हो जाएगा, माइनस ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ए माइनस ए एक्स हो जाएगा आपका, ये आपका डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा। तो जब भी आपको गिवन हो वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स, y इक्वल टू ई टू द पावर e टू द पावर माइनस ए एक्स हो तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स। तो ये आपके डिफ्रेंसिएशन के कुछ रूल्स रहे, ये डिफ्रेंसिएशन के कुछ रूल्स रहे, इन रूल्स पर हम जो है बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब आपको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो तो वेलोसिटी कैसे निकालें, वेलोसिटी दिया गया हो तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें, और एक्सेलरेशन दिया गया हो तो वेलोसिटी कैसे निकालें। तो ये रहा डिफ्रेंसिएशन की कॉन्सेप्ट जो हम जो है यूज करेंगे। अब हम थोड़ा डिस्कशन इंटीग्रेशन पर करेंगे, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो हम अपनी सारी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, फीडबैक देंगे, जो नहीं आएगा वो मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आप तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपके साथ हेल्प करना हमें अच्छा लगेगा।